हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। अभी बज रहा है दोपहर के मतलब 4 ही बज रहा है, 4 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। और अभी अभी मैंने नहाया है। लेट नहाने का रीज़न ये है कि मैंने ऑयलिंग की थी, हेयर ऑयलिंग, और उसके बाद मुझे थोड़ी देर रखना था उसे, और उसके बाद मुझे हेयर वॉश करने थे, इसलिए बहुत लेट हो गया। इनका वेट किया, ये आने के बाद मतलब इन्होंने खाना वगैरह खाया, बच्चों ने खाया, उसके बाद मैंने अभी भी खाना नहीं खाया है। मैंने सोचा जो पहले नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। और बाल जो है अभी भी गीले है, मतलब वेट ही है, तो इसे अभी ड्राई करने का टाइम नहीं है। ऐसे ही ड्राई हो जाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ऐसे ही ड्राई हो जाते हैं। तो ड्रायर वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ड्रायर मतलब यूज़ करती नहीं हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। सर्दी वगैरह के मौसम में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ठंड रही तो उस टाइम यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ुकाम वगैरह ना हो इसी वजह से। और आप लोगों को डार्क लिपशेड बहुत पसंद आ रहा है। मैंने आपसे पूछा था मुझ पर न्यूड कलर सूट होते हैं या डार्क कलर, तो काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया कि डार्क कलर सूट होते हैं लिपस्टिक के, तो इसी वजह से ये शेड मैंने दोबारा से लगा लिया। आजकल ना ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सूट भी कर रहा है मुझे लगता है मुझ पर, इसीलिए ना मेरा हाथ इसी शेड पर जा रहा है बार बार, और यही शेड अप्लाई कर ले रही हूँ। और हाँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 4 बज गया, इतना लेट मैं कभी नहीं खाती हूँ। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। एक्चुअली मैंने दाल और भिंडी की सब्जी बनाई थी। चलिए पहले किचन में चलते हैं, मैं उधर बात करती हूँ आपसे। तो एक मिनट, यहाँ पर कर्टन्स वगैरह लगा दिए ना, तो इसकी वजह से अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। तो मैंने ना भिंडी की सब्जी बनाई थी सिंपल सी, और दाल बना ली थी। तो दाल तो बच्चों ने खा ली है क्योंकि बहुत कम बनाई थी, क्योंकि क्या होता है कि शाम को दाल कोई नहीं खाता है, मतलब खाने का मन नहीं करता है शाम को दाल, तो इसी वजह से दोपहर में थोड़ी सी कम बनाती हूँ मैं दाल। तो दाल तो बच्चों ने खा ली, अभी भिंडी की सब्जी है, रोटी है बची हुई, चावल नहीं बनाए थे, सिर्फ रोटी और भिंडी की सब्जी, दाल नहीं थी, तो वही अभी भिंडी की सब्जी और रोटी खानी पड़ेगी मुझे। तो चलिए पहले परोस लेती हूँ, खा लेती। यहाँ पर भिंडी की सब्जी जो है वो बहुत ही सिंपल बनाई है, मतलब सिर्फ प्याज और क्या बोलते हैं मसाले डाल के थोड़ी सी सिंपल बनाई है, मतलब थोड़ी सी मीन्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनी है आज की सब्जी, भिंडी की सब्जी। तो ऐसे ही होता है कभी कभी, ऐसे भी लंच कर लेना चाहिए। और दाल तो बची नहीं है मेरे लिए, तो मैं अभी भिंडी की सब्जी मुझे खानी पड़ेगी। तो यही है आज का मेरा सिंपल सा लंच, तो चलिए फिर खाना खा लेती हूँ। चलिए खाना तो हो गया है, और हाँ, मैंने ये वाली कुर्ती काफ़ी दिनों के बाद पहनी है आज। कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट करके। ये ना कॉटन की कुर्ती है और मुझे बहुत पसंद थी, मतलब जब मैंने ली थी, तो कॉटन की कुर्ती है, कोल्ड शोल्डर है, और बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली पहनने के बाद। आपको फुल लुक बाद में दिखा दूंगी मैं इस वाली कुर्ती का। सिंपल है, सोबर है, बट अच्छी लगती है, मतलब कॉटन की है तो इस मौसम में अच्छी है, बट ब्लैक कलर है यार इसका, तो थोड़ा सा वो धूप में वगैरह जाने के टाइम देखना पड़ता है। इसका जो नेक है वो एकदम चिपका हुआ है, और पीछे से बैक नेक इसका ना डोरी बांधने के लिए, मतलब मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, बट डोरी बांधने के लिए इसे बैक पे, तो अच्छी लगती है वैसे, मुझे बहुत पसंद थी जब मैंने ली थी ना। एक्चुअली मैंने ये मिंत्रा से ली थी, मैं पहले ना कुर्तीज बहुत ज़्यादा मिंत्रा से लेती थी, बट अभी ना कहीं से भी ले लेती हूँ, अच्छी लगेगी ले लेती हूँ मैं, कभी लोकल मार्केट से ले लेती हूँ, कभी ऑनलाइन ले लेती हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अभी। पहले मिंत्रा से बहुत ज़्यादा कुर्तीज परचेस करती थी, मतलब अच्छी लगती थी मुझे मिंत्रा की कुर्तीज, बट अभी ऐसा कुछ अभी फिक्स नहीं है मेरा। और हाँ, कल के ब्लॉग के बारे में बताती हूँ। कल यार इतना ज़्यादा हेडेक हुआ मुझे ब्लॉग अपलोड करने में, कल पूरा दिन चला गया मेरा ब्लॉग अपलोड करने में, फिर भी ब्लॉग नहीं गया। मतलब रात को क्या हुआ कि रात को मैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए डाल देती हूँ तो वो सुबह तक मिल जाता है आपको, बट रात को ना ब्लॉग फेल हो गया था, तो मैंने सोचा चलो सुबह डाल देती हूँ। सुबह मैंने अपलोडिंग के लिए डाला तो
पूरा दिन गया उसमें, फिर भी अपलोड नहीं हुआ। रात भी गई, मतलब रात को मैंने दोबारा से फिर वो बैक किया, दोबारा से वो अपलोडिंग के लिए डाला, तब जाके आपको आज ब्लॉग मिला है। और इसी चक्कर में मेरा कल ब्लॉग नहीं बना है, बिल्कुल मूड खराब हो गया था, मेरा ब्लॉग नहीं बना है। मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला था कि ब्लॉग लेट आएगा, फिर बाद में पोस्ट डालना पड़ा कि मतलब आएगा ही नहीं ब्लॉग, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ब्लॉग मिल जाएगा आपको, क्योंकि 87 पे अटक गया था वो, तो 87% पे ही था। तो इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी ना कि आपको क्या बताऊँ, कि इसीलिए ना मेरा मूड खराब हो गया था और ब्लॉग भी नहीं बना पाई मैं कल का। तो इसीलिए ये जो ब्लॉग है, मतलब आज की जो डेट है वो है 8, और 7 का ब्लॉग नहीं आया है, और 6 मई का ब्लॉग आपने आज देखा है, और 7 मई का आपको ब्लॉग ही नहीं मिला है, मतलब 7 मई का ब्लॉग बना ही नहीं पाई मैं। तो चलिए, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी, नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बताया था बहुत ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मुझे, बट फिर भी मैं रात को इसी वजह से जागती हूँ, रात को अपलोड करती हूँ, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए, एक्चुअली मैंने ना पापड़ा सुखाने के लिए डाला था यहाँ पे गैलरी में। दीदी ने इस बार भी पापड़ा भेजा है इनके साथ, मतलब पिछले बार तो ऐसे ही किसी के साथ भेजा था, बट इस बार अभी गया नहीं था ये परसों, तो उस टाइम दीदी ने इस बार भी पापड़ा भेजा है। तो पहले ना एक दिन तो हमने निकाला ही नहीं, वो ऐसे ही बाहर रखा था सैनिटाइज करने के लिए, इसलिए आज ना मैंने सुखाने के लिए डाला था। थोड़ा सा गीला था ये, मतलब ताज़ा ताज़ा ही बनाया था दीदी ने और फिर भेज दिया था यहाँ पर इनके साथ। तो जैसे ही बनाया ये गए वहाँ पे, तो ये दीदी बोले कि ये लेके जाओ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और मुझे बनाना नहीं आता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि पापड़ा कैसे बनाते हैं और ये किस चीज़ का होता है, तो एक्चुअली ये मुझे पता नहीं है कैसे बनाते हैं। तो ये सूजी का होता है, मैंने दीदी से पूछा तो ये सूजी का होता है, और ये बनाते कैसे ये नहीं पता मुझे, मतलब दीदी ने सिर्फ इतना बताया था कि ये सूजी को भिगोना पड़ता है, आई थिंक कुछ तो भी ऐसे पतला भिगोना पड़ता है बोलते हैं, और उसकी अगर रोटी बेलनी हो तो रोटी टाइप का बेलते हैं, नहीं तो हाथ पे, जैसे ऐसे कि वो मटके के ऊपर जो पतली रोटी नहीं बनाते हैं, तो उस टाइप की ये रोटी बनाते हैं इसकी, बहुत बड़ी सी ऐसे, और वो चूरा करते हैं तो उसे पापड़ा बोलते हैं, वैसे टाइप का होता है ये। और ये नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल, तो इसीलिए दीदी ना ये भेज दे रही है। और अभी और बनाने के लिए बोला है मैंने दीदी को, मतलब इन्होंने ही बोला दीदी को बनाने के लिए और, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बोल रहे थे कि अभी समर में यही खाएंगे हम लोग नाश्ते में, ज़्यादातर पोहा बनता है वैसे घर में, बट अभी समर में पूरा समर इसी पे जाएगा नाश्ते के लिए, तो इसीलिए ये बोल रहे थे कि ज़्यादा बना दो। तो दीदी अभी और बनाएगी और फिर भेजेगी, तो अभी फ़िलहाल तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सारा भेजा है इस बार, अभी 10 केजी का भेजा है, बहुत सारा भेजा है। तो अभी मैंने आधा डाल दिया है यहाँ पे और आधा रख दिया है, तो वो मैं कल डालूँगी। कुछ इस तरह से होता है, और ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा, इसका बेलन से चूरा करना पड़ता है और फिर बनाना पड़ता है इसे, तो वैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है यार ये खाने में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बचपन से एक्चुअली मेरी मम्मी को भी नहीं आता था बनाना ये, तो मेरी मम्मी भी उनकी मम्मी से लाती थी, मतलब मेरी नानी से, और हमारे घर पे बना ही नहीं है, तो इसी वजह से मुझे भी नहीं आता है। अगर जो अपने मम्मी को आता होता ना, तो वो हमें आ जाता है ऑटोमेटिकली, घर पे बनता हुआ देखते हैं तो फिर हमें आ जाता है, बट मेरी मम्मी ने भी कभी नहीं बनाया, तो नानी से लेके आती थी,
तो इसी वजह से मुझे भी नहीं आता है। तो अभी तो दीदी है रहने के लिए, इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं है, दीदी दे देती है। एक्चुअली ये ना मैंने सूखने के लिए सुबह ही डाल दिया था जब धूप नहीं आई थी, और दोपहर में बहुत अच्छे से धूप लगी से, तो इसी वजह से बहुत अच्छे से कड़क हो गया था ये, मतलब धूप में पूरा सूख गया था। और बहुत अच्छी धूप मिली इसे आज, तो अच्छे से सूख गया है। एक बार मतलब आज ये आधा है डाला था मैंने, तो आधा आज सूख गया है और आधा कल डाल दूँगी। और 10 kg का भेजा यार दीदी ने, बहुत ज़्यादा भेज दिया इस बार तो, मतलब पहले तो 5 kg का भेजा था, तो वो हम लोगों ने बहुत जल्दी खा लिया यार, मुझे नहीं पता कैसे इतने जल्दी ख़त्म हो गया। और इनको ना क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ, इसी वजह से ना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसीलिए दीदी ने इस बार ज़्यादा भेज दिया। और हाँ, जब मैंने डाला था उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं लगा, मैंने सिर्फ कंटेनर इसमें वो कर दिया था, खाली कर दिया था और फैला दिया था। बट जब कंटेनर में डालने का टाइम आया ना, उस टाइम मुझे उससे हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए ये हेल्प करने के लिए आ गए थे। तो मतलब वैसे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे कोई भी चीज़ में, तो उनको पता था कि ये कर नहीं पाएगी, इसी वजह से फिर वो आ गए थे करने के लिए, करके देने के लिए। तो हम दोनों ने तो भर लिया है यहाँ पर, अभी ये कंटेनर तो पूरा भर गया है इससे, तो ये वाला कंटेनर मैं अभी नीचे रख दूंगी, और दूसरा जो कंटेनर है जो मैंने उसमें भर के रखा था दूसरे वाले कंटेनर में, वो मैं कल डाल दूंगी सुखाने के लिए। और हाँ, मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, इनका आवाज़ बहुत अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली जब गाते हैं ना ये, तो ऐसा लगता है कि कोई सिंगर गा रहा है, तो वैसा आवाज़ है इनका, बहुत अच्छा आवाज़ है। और हमारी शाम ऐसे ही होती है, शाम के टाइम में थोड़ा सा ये गा लेते हैं मेरे लिए, कुछ ना कुछ सुना देते हैं मुझे गा के, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है हमारा, सभी का मूड फ्रेश हो जाता है। शाम के टाइम में डेली कुछ ना कुछ फरमाइश करनी पड़ती है इनसे गाने की, मतलब कोई भी गाना हो ऐसे पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ता है कि कौन सा गाना आज सुनना है इनसे, तो मैं वो बता देती हूँ उन्हें और वो गा के मुझे सुना देते हैं। उन्हें ना थोड़े से जो पुराने गाने नहीं होते है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो पुराने गाने बहुत ज़्यादा गाते हैं ना, पुराने गाने का बहुत शौक है, मतलब पुराने गाने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो सोचते हैं, जैसे कि आज ड्यूटी गए तो वहाँ पर सोचते हैं कि आज कौन सा नया गाना गाया जाए, तो वैसे ही होता है। और आगे मैं आपको सुना दूंगी इनका आवाज़, आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद ना थोड़ी देर ही आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो आपने सुन लिया गाइज इनका आवाज़ कैसा है, और आपको कैसा लगा इनका आवाज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको भी पसंद आया हो, क्योंकि इनका आवाज़ सभी को पसंद आता है, मतलब ये जो गाने गाते हैं जिस अंदाज से गाने गाते हैं वो सभी को पसंद आते हैं। गाइज किसी ने रिक्वेस्ट की थी मुझे कि ये जो मूर्ति है मतलब कृष्णा जी की, तो ये दिखाने के लिए पास से, एक्चुअली ये ना हमने ये सारा सामान जब लिया था, मतलब ये जब डेकोरेट किया था यहाँ पे, ये शेल्फ लगवाई थी और ये जो यहाँ पर लिया था सारा, तो उसके साथ ली थी ये वाली मूर्ति, तो मैंने वो हॉल भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा। बट फिर भी मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ ये वाली मूर्ति का। एक्चुअली गाइज ये जो मूर्ति है ना, मतलब वो रेडियम टाइप की है ये मूर्ति ना, जब अंधेरा होता है जैसे ही हम लोग लाइट ऑफ करते हैं, लाइट्स ऑफ होने के बाद ये चमकती है, जैसे रेडियम नहीं चमकता है वैसे चमकती है, ग्रीन ग्रीन सी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है अंधेरे में, तो इसी वजह से हम लोगों ने वो ली थी और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। इनको तो देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो ये जिद ही करने लगे थे कि ये लेना है करके हमें, तो इसीलिए हमने ले ली थी उस टाइम। और मैंने ना थोड़ी सी छोटी देखी थी इससे, तो मैंने उनको बोला था कि हम लोग छोटी लेंगे थोड़ी सी, बट ये बोल रहे थे कि नहीं मुझे बड़ी ही चाहिए, तो ये बच्चों जैसे जिद करने लगे थे उस टाइम ये वाली मूर्ति के लिए, तो मैंने सोचा चलो इनको इतनी ही ज़्यादा पसंद आ गई है, तो हम लोगों ने ले ली थी उस टाइम, और बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत लोगों को पसंद आती है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, तो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है बच्चे शाम को कुछ ना कुछ मांगते ही है खाने के लिए, तो यहाँ पर मैं देने वाली हूँ आज उन्हें ब्रेड पकोड़ा। तो ब्रेड पकोड़ा मैं डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, आज तवे पे सेकने वाली हूँ, तो आज जो भी मतलब जैसी रेसिपी है इसकी, तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जैसे ब्रेड पकोड़ा हम लोग बनाते हैं वैसे ही, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है ताकि वो गर्म हो जाए और जल्दी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डीप फ्राई करने के लिए, तो थोड़ा सा वो लगता है, बट ये ना आप लोग डाइट पे अगर हो तो आप इसे खा सकते हो इस तरह से बना के, और अगर आप डाइट पे भी नहीं हो, बच्चों को आप देना चाहते हो, तो बच्चों को भी
बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ऐसी रेसिपी है ये। तो मैंने पहले बेसन ले लिया है और उसमें ना थोड़ा सा नमक ऐड करके थोड़ा सा अच्छे से पानी डाल के फेंट ले रही हूँ ताकि इसकी जो गांठें हैं वो पूरी निकल जाए। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और बस इसे आप अगर चाहो तो जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं किया था, बट चाहो तो आप जीरा पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हो इसमें। तो बस थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए और अच्छे से थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा सा पतला कर दीजिए और यहाँ पर इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मैंने लिए है ब्राउन ब्रेड, एक्चुअली ब्राउन ब्रेड ला रहे हैं ये घर पे तो इसी वजह से मैंने ब्राउन ब्रेड ही लिए है और हेल्दी भी रहते हैं। अगर आप डाइट पे हो तो आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, अदरवाइज आप अगर नहीं हो तो आप वाइट ब्रेड, अगर आपको पसंद है ब्राउन ब्रेड तो, नहीं तो आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ। अगर कभी नहीं मिले ब्राउन ब्रेड तो फिर ऑप्शन नहीं रहता है, उसके बाद तो फिर वाइट ब्रेड यूज़ करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। बट मैं ज़्यादातर वाइट ब्रेड नहीं खाती हूँ अपने, मतलब खुद नहीं खाती हूँ वाइट ब्रेड। तो इसी तरह से इसे ना थोड़ा सा तेल डाल के, आपको ये चिपकेगा नहीं अगर आप नॉनस्टिक तवा यूज़ करोगे ना, तो कम ऑयल में भी हो जाएगा, बहुत कम ऑयल लगता है। जैसे डीप फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है उसे, और वैसे भी जो ब्रेड है वो ऑयल थोड़ा सा पकड़ने लगता है, तो इसीलिए ना डीप फ्राई किए हुए वो जो होते हैं, मतलब ब्रेड पकौड़ा जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा क्या हेल्दी ही नहीं रहते हैं। तो ऐसे अगर आप बनाते हो ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं और आप डाइट पर भी ये खा सकते हो, क्योंकि बेसन में भी प्रोटीन रहता है। तो बेसन की जो भी चीज़ें हैं जैसे चीला वीला ये हो गया, और ब्राउन ब्रेड वैसे भी हम लोग खाते ही है डाइट में, तो ब्राउन ब्रेड के साथ अगर आप ये बनाते हो क्या बोलते हैं ब्रेड पकोड़ा, तो ये आप डाइट में भी खा सकते हो। बट जो जितना मैंने अभी ऑयल यूज़ किया है ना, उतना भी आपको यूज़ नहीं करना है, बहुत ही कम ऑयल यूज़ करना है आपको, लेस ऑयल में ये बनाना है, तब जाके आपके डाइट में ये काम आएगा। तो इस तरह से रेडी हो गया है हमारा ब्रेड पकोड़ा और मैंने दे दिया है बच्चों को खाने के लिए। एक्चुअली बच्चे इस टाइम में बहुत, मतलब वो होते हैं कि कुछ ना कुछ उन्हें खाने के लिए चाहिए ही होता है, मतलब नाश्ते के जैसा, थोड़ा सा नाश्ते के जैसा कर लेते हैं, खा लेते हैं, फिर उसके बाद डिनर में थोड़ा सा टाइम रहता है तो मैं भी दे देती हूँ उन्हें बना के कुछ ना कुछ ऐसे ही शाम को। तो डिनर में अगर टाइम रहता है तो फिर तब तक उनको भूख लग जाती है और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए जब थोड़ा सा उनका पेट फुल हो जाए ना तो फिर वो डिनर में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है और डिनर में थोड़ा सा वेट भी कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें आप अगर बना कर देते हो ना बच्चों को तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी टेंशन नहीं रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो होती हूँ कि टाइम निकाल लेती हूँ बच्चों के लिए और कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ उन्हें, क्योंकि शाम को हमें भी भूख लग जाती है यार। बट हम लोग तो भी थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं बट बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बच्चों को तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने बना लिया था डिनर और मैंने डिनर में बनाया था चिकन, तो यहाँ पर चिकन रेडी हो गया है हमारा। आज है फ्राइडे तो चिकन तो बना ही था और यहाँ पर चिकन हो गया है रेडी और बस चावल मैंने चढ़ा दिया है वहाँ पर। हम लोग जब तक खाना खाएँगे तब तक चावल हो जाएंगे, फिर लास्ट में हम लोग चावल लेंगे। और यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई हैं तो हम लोग डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और आज भी बहुत लेट हो गया है, 11:30 बज गया है ब्लॉग को एंड करते करते, मतलब सारे काम करते करते, क्लीनिंग वगैरह ये वो। तो आज मैंने बनाया था चिकन और चिकन की रेसिपी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि बहुत बार वही रेसिपी से मैं चिकन बनाती हूँ, इनको उसी टाइप से चिकन बनाया हुआ अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने आज भी उसी टाइप से चिकन बनाया था और बहुत टेस्टी बना था एक्चुअली। तो हमने डिनर वगैरह कर लिया है और बस ब्लॉग को एंड करना है और आपके नाम लेने हैं, तो आज नाम लेने के लिए तो एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई है, बट बर्थडे विश करने के लिए और एनिवर्सरी विश करने के लिए रिक्वेस्ट आई है और वो भी कल की थी, तो उसके लिए सो सॉरी डियर, कल का ब्लॉग नहीं बन पाया और जो परसों का ब्लॉग है वो भी कल अपलोड नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं दोबारा से माफ़ी मांगती हूँ आपको। आज सिर्फ मुझे विश करना है तो मैं सबसे पहले विश करूँगी बर्थडे विश, तो कौसर जी ने रिक्वेस्ट की थी, उनकी मम्मी का बर्थडे था कल और मैं परसों के ब्लॉग में उनका नाम ही नहीं ले पाई, तो उसके लिए सो सॉरी डियर, मैं मतलब पता नहीं कैसे भूल गई आपका नाम लेना। तो उनकी मम्मी का बर्थडे था और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी 6 तारीख को और मैं नाम लेना ही भूल गई, पता नहीं कैसे, मतलब उनके कमेंट मेरे नज़रों से वो हो गई थी, तो आज मैं उनका नाम ले लेती हूँ। एक्चुअली उन्होंने अपनी मम्मी का नाम नहीं बताया, तो कौशल जी की मम्मी के लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आंटी, और हाँ सॉरी मैं कल के ब्लॉग में आपका नाम नहीं ले पाई, बट आपकी जो भी विश है इस साल आपकी सारी विश पूरी हो, आपको जो चाहे वो मिल जाए आपकी लाइफ में। और हाँ, जो सेकंड विश है वो है एनिवर्सरी विश, तो माधुरी मराठे ने कमेंट की थी कि उनकी एनिवर्सरी थी कल, मतलब 7th ऑफ मई को,
तो कल का ब्लॉग तो नहीं बन पाया, बट आज मैं नाम ले लेती हूँ आपके, तो माधुरी मराठे एंड सुनील मराठे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और जिन जिनका नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपका नाम लेने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आपके अगर बर्थडे हो या आपके एनिवर्सरी हो तो आप मुझे एक दिन पहले ही बता दिया करो, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब जिस दिन आपका बर्थडे या एनिवर्सरी होगी तो मैं आपका नाम उस ब्लॉग में ज़रूर लूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।